हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने समुच्चय के प्रकार देख लिए थे और उस पर आधारित क्वेश्चन देख लिए। आज हम इसका 1.3 चैप्टर स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है उपसमुच्चय। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उपसमुच्चय। देखो उपसमुच्चय क्या होता है। यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में विद्यमान हो, या समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का अवयव हो, तो ए बी का, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा। तो समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। इसको उपसमुच्चय को इस साइन से दर्शाएंगे। यहां ये दोनों बराबर हो गए तो यहां पर ये साइन। जैसे मान लो ए जो है बिलोंग्स करता है कैपिटल ए में। ए जो है किसमें बिलोंग्स करता है? कैपिटल ए में। ए जो है एलिमेंट है कैपिटल ए का। स्मॉल ए एलिमेंट है कैपिटल बी का। ए जो है किसमें बिलोंग्स करता है? बी में भी। तो ए उपसमुच्चय या इक्वल होगा बी के। ए उपसमुच्चय इक्वल होगा किसके? बी के। तो यहां पर स्मॉल ए बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए में, स्मॉल ए बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल बी में, तो ए उपसमुच्चय होगा किसका? बी का। समझे? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तो ए बी का क्या होगा? उपसमुच्चय। अब इसमें सेकंड आता है उचित एस उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, देखो उचित उपसमुच्चय कौन सा होगा? उचित उपसमुच्चय देखो इसमें क्या लिखोगे? यदि ए उपसमुच्चय है या इक्वल है बी के, तो बी में कम से कम, तो बी में कम से कम ए से एक अवयव अधिक हो। कम से कम एक अवयव तो अधिक होना ही चाहिए, इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो ए बी का उचित, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, या ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल है हमारे पास स्मॉल ए बी सी, और बी इक्वल है हमारे पास स्मॉल ए बी सी डी। तो यहां पर ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक है। कम से कम बी के पास ए का एलिमेंट तो इससे अधिक है ही है, ठीक है। तो यहां पर ये ए जो है बी का क्या होगा? उचित उपसमुच्चय होगा। तो ए बी का क्या होगा? उचित उपसमुच्चय। अब आती है उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात? देखो उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, यदि किसी समुच्चय, यदि किसी समुच्चय कैपिटल ए में स्मॉल एन अवयव हो, कितने अवयव हो? स्मॉल एन अवयव हो, तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या
उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। कितनी होती है? 2 की पावर n होती है। और उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 2 होती है। देखो क्या पढ़ा है हमने, सबसे पहले पढ़ा था उप समुच्चय। उप समुच्चय में क्या बताया था? यदि जो भी a के एलिमेंट है, जो भी क्या है a में उपस्थित जो भी अवयव है वो b में भी हो, तो a क्या होगा? b का उपसमुच्चय होगा। फिर बात की हमने उचित उपसमुच्चय की, यदि a उपसमुच्चय है b का, यदि a क्या है b का उपसमुच्चय है, b में कम से कम एक अवयव अधिक हो, b में a से क्या है कम से कम एक अवयव अधिक हो, तो वो कौन सा उपसमुच्चय होगा? उचित। अब उसके बाद आता है इसमें उपसमुच्चयों की संख्या। यदि किसी समुच्चय में स्मॉल n एलिमेंट है, स्मॉल n एलिमेंट है, तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n। और उसमें उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 2। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा अदिश समुच्चय। नेक्स्ट पढ़ेंगे अदिश समुच्चय। देखो अदिश समुच्चय क्या हुआ? अदिश समुच्चय, यदि समुच्चय ए, यदि समुच्चय ए और बी दो इस प्रकार है, समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है, समुच्चय ए क्या हो? बी का उपसमुच्चय हो। लेकिन बी ए का उपसमुच्चय न हो, लेकिन बी ए का उपसमुच्चय न हो, क्या बताया हमने? ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए तो उपसमुच्चय हो बी का, लेकिन बी जो है ए का उपसमुच्चय न हो, तो बी क्या कहलाता है? ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। तो बी ए का क्या कहलाएगा? अदिश समुच्चय। तो बी ए का अदिश समुच्चय कहलाता है, बी अदिश समुच्चय है ए का, ये साइन लगाएंगे अदिश समुच्चय। और उपसमुच्चय का आपको ये पता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें अंतराल। उपसमुच्चय के रूप में अंतराल जो है किसके रूप में? उपसमुच्चय के रूप में। देखो इसमें अंतराल आर उपसमुच्चय के रूप में फर्स्ट इसमें होगा हमारा विवर्त अंतराल, सेकंड होगा संवर्त अंतराल और थर्ड होगा इसमें अर्ध अर्ध संवर्त अंतराल, अर्ध संवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल या इसे क्या बोल देंगे? ओपन इंटरवेल, या इसे बोल देंगे क्लोज्ड इंटरवेल, इसे क्या बोल देंगे? क्लोज्ड इंटरवल। और अर्धसंवर्त को क्या बोल देंगे? सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। विवर्त अंतराल यानी खुला अंतराल। तो इसमें देखो यहां पर विवर्त अंतराल हमारा कौन सा होगा? जैसे समुच्चय है हमारे पास एक से बड़ा है, एक छोटा है छह से, एक और छह इसमें नहीं है, तो यहां पर ये ब्रैकेट आ जाएगा हमारा, ये होगा ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल जैसे इसी को लिखें, वन से बड़ा है एक्स, छोटा है इक्वल है सिक्स से, तो ये आ जाएगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। समवर्त अंतराल याद रहेगा, विवर्त अंतराल। अब उसके बाद आता है अर्धसंवर्त, यानी एक तरफ से तो ओपन होगा और एक तरफ से ये क्या होगा? क्लोज।
वैसे इनकी बात हमने पहले भी कर ली थी इस प्रकार क्वेश्चन, जैसे a बड़ा या इक्वल है x के, छोटा है b से, तो यहां से बड़ा या इक्वल का साइन आ गया तो क्लोज इंटरवल, यहां पर सिर्फ लेस देन है तो ये यहां पर ओपन इंटरवल आ गया। यदि ये बोले a बड़ा है x, छोटा है इक्वल है b से, तो यहां पर a पर ये क्या आ जाएगा इसमें ओपन इंटरवल और b पर क्या आ जाएगा क्लोज इंटरवल। ये याद रहेगा अंतराल और उपसमुच्चय के रूप में। अब इसके बाद देखते हैं 1.3 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्न रिक्तस्थानों में उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं के साइन आपने बदले, यहां तो ये लगाना है उपसमुच्चय है और यहां ये लगाना है उपसमुच्चय नहीं। तो देखो इसमें उपसमुच्चय नहीं, फर्स्ट दिया है इसमें उपसमुच्चय की डेफिनेशन क्लियर है, तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार से क्लियर हो जाएंगे जैसे 1.2 है। 2, 3, 4 फिर डैश 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 1, 2, 3, 4, 5 तो यहां पर ये 2, 3, 4 इसका उपसमुच्चय है या नहीं है, 2 भी है इसके पास, 3 भी है और 4 भी है, चारों के चारों एलिमेंट इसके हैं, तो ये इसका क्या है उपसमुच्चय है। तो ये इसका क्या आ गया 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 का उपसमुच्चय है। अगर इस 1, 2, 3, 4, 5 की बात करें तो ये इसका क्या होगा अधिसमुच्चय, तो ये इसका क्या होगा अधिसमुच्चय। सेकेंड ए बी सी और बी सी डी, स्मॉल बी सी डी, ए बी सी बी सी डी का उपसमुच्चय है या नहीं है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास ए है लेकिन ए इसके पास नहीं, ठीक है, और न ही ये इसका उपसमुच्चय, समझिए। नेक्स्ट इसमें दिया है एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और आगे दिया है इसमें एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। एक में तो बोल रहा है इसमें समतल में वृत्त है, यहां तो बोल रहा है, और यहां बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या है एक इकाई है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सारे वृत्त की बात कर रहे हैं, सारे वृत्त एक सेमी त्रिज्या के नहीं हो सकते। अगर इसकी बात करें एक सेमी त्रिज्या वाला वृत्त, इसका उपसमुच्चय होगा, क्योंकि एक सेमी त्रिज्या वाला वृत्त भी दो सेमी वाले सारे के सारे इस वृत्त में आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड रहेगा अभी इसमें बीच में, इसमें बोला है एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है। थर्ड में क्या बोल रहा है, एक्स कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ठीक है, और यहां डैश 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 यहां पर क्या बोल दिया एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, एक्स क्या है विद्यालय का विद्यार्थी। अब देखो कक्षा 11 में पढ़ता है, विद्यालय का विद्यार्थी है, तो ये इसका क्या है उपसमुच्चय है, तो ये इसका क्या हो गया उपसमुच्चय। नेक्स्ट एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और उसमें बोल दिया एक्स समतल में स्थित एक आयत है, तो त्रिभुज और आयत का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी इसका उपसमुच्चय नहीं। फिर x समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और इस साइड तो बोल दिया वो समबाहु त्रिभुज, और इस साइड बोल दिया आपको यहां पर त्रिभुज त्रिभुज, तो त्रिभुज में ही आते हैं ये समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समकोण और समद्विबाहु, ये सारे के सारे त्रिभुज में ही आएंगे, तो ये इसका उपसमुच्चय है, और त्रिभुज इसका क्या हो गया अधिसमुच्चय, ठीक है। तो ये 5 ही थे इसके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आप सेकंड क्वेश्चन इसका खुद करो, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप अपने मैसेज करके क्लियर करोगे। सबसे पहले इसमें हमने क्या पढ़ा उपसमुच्चय,
दो समुच्चय होंगे ए और बी, ए के अवयव बी में विद्यमान है, तो ए बी का क्या हो गया? उपसमुच्चय। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था? उपसमुच्चय पढ़ने के बाद अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय में क्या था? अधिसमुच्चय में यदि समुच्चय ए जो है बी का उपसमुच्चय है, लेकिन बी जो है ए का उपसमुच्चय नहीं है, तो बी ए का क्या होगा? अधिसमुच्चय। उसके बाद इसमें पढ़ा उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चय यदि किसी समुच्चय ए में समोद n एलिमेंट है, तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर n, और उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 2। उचित उपसमुच्चय क्या होगा? यदि a b का उपसमुच्चय है, a जो है b का क्या है? उपसमुच्चय, तो b में कम से कम एक एलिमेंट अधिक होना चाहिए, तो ही वो उचित उपसमुच्चय होगा ए किसका? बी का। तो समुच्चय ए को बी का क्या कहते हैं? उचित उपसमुच्चय। ये उसके बाद हमने देख लिया था अंतराल के रूप में, अंतराल के रूप में पढ़ लिया था उपसमुच्चय के रूप, ओपन क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड, तो ये इंटरवेल देख लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन तक आप खुद करोगे, फिर भी इसमें डाउट है तो अपने मैसेज वगैरह करके ये डाउट क्लियर करोगे, बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।